इन सब बातों से बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। नहीं, वो ठीक नहीं है। उसने जो कुछ भी कहा वो ऐसा सच नहीं हो सकता, मैं जानता हूं। शांत रहो आमिर, उसके पास जाकर उससे बात करो। हाँ, उससे पूछो उसे डिवोर्स क्यों चाहिए और फिर उससे कहो कि हम ये डिवोर्स नहीं ले सकते, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। पहले मुझे शांत होना चाहिए। एमिर, तुम ठीक तो हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। रेहान को तुम्हारा सरप्राइज पसंद तो आया ना? नहीं, उसे बहुत पसंद आया, अच्छा लगा उसे। मुझे जाना है अभी, ओके? बाद में बात करते हैं। उसने बिना एक भी बार सोचे यह कह दिया कि उसे डिवोर्स चाहिए। उसका दिमाग इतना खराब नहीं हो सकता कि वो सोचे बिना कुछ भी कह दे। वो ऐसा कैसे कह सकती है? ये सब बकवास है। काश तुमने मेरी बात पहले ही मान ली होती एमिर, तो तुम्हें आज इतनी तकलीफ नहीं होती। जैमरे, मुझे तुम्हें एक अच्छी खबर देनी है। उस लड़की ने वही किया जो तुमने कहा था। जावेदन आंटी, ये तो बहुत अच्छी खबर है। आपको कैसे पता चला? एमिर के मूड से। वो पागल हो चुका है, खुद से ही बातें करता जा रहा है। शायद हम रेहान को इस मेंशन से कल ही बाहर निकाल पाएं। अगर उसने अपना इरादा ना बदला तो? अगर उसने एमिर को सब सच बता दिया तो क्या होगा आंटी? डोंट वरी जैमरे, ऐसा नहीं होगा। वो एमिर को कुछ नहीं बताएगी। मैंने उससे एक बार कहा था कि मैं उसे इस घर से निकाले बिना चैन से नहीं बैठूंगी, और आज मैंने कर दिखाया, बिल्कुल वैसा जैसा मैंने कहा था।